हम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर किस हद तक जाना सही है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी सेरेनिटी, ये 2019 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसी थीम को एक्सप्लोर करती है। एक फिशरमैन की एक्स वाइफ उसके पास आती है, उसे हेल्प मांगती है। उसे हेल्प करने के लिए ये किस हद तक जाएगा, ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है। इस मूवी का एक्चुअल कंसेप्ट एक अलग लेवल का है, जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। इसकी एंडिंग भी ट्विस्टेड है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के इस ट्विस्टेड मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है बेकर, एक टूरिस्ट को अपनी बोट पर फिशिंग करने के लिए लाया हुआ था। उसकी बोट पर उसका एक फ्रेंड भी काम करता है, जिसका नाम है ड्यूक। ये हमेशा टूना फिश की फिशिंग करते हैं। इनका आइलैंड, जिसका नाम है प्लेमथ, इस पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा इन्हें पैसे देते हैं फिशिंग करने के लिए। आज भी ऐसे ही फिशिंग करने के लिए आए हुए थे। इन्होंने बेट डाली और बेकर को एक बड़ा सा टूना मिला। बेकर रियलाइज करता है जिस फिश को वो बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये वही फिश है। एक बहुत बड़ा टूना फिश जो हमेशा बेकर के हाथ से निकल जाता है। उसकी जिद थी इसे तो वो पकड़ कर ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स इसे अब अपने टूरिस्ट को फिशिंग का रॉड देना चाहिए था, पर इस फिश को पकड़ने के लिए वो खुद ऑब्सेस्ड है। टूरिस्ट इस पर बहुत गुस्सा हो गए, उसे वो रॉड ले रहे थे, पर बेकर उन्हें चाकू दिखाता है और शांत रहने के लिए कहता है। पूरे दिन तक बेकर ने इसी फिश को पकड़ कर रखा। फाइनली इस फिश को मारने वाला था, पर फिर से फिश उसके हाथ से निकल गया। टूरिस्ट बहुत ही गुस्सा थे, इस ट्रिप के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। बेकर के फ्रेंड ड्यूक को पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बेकर हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ तो करता रहता है, तो इस वजह से वो ब्रोक हो चुका है। इन्होंने शिप में जो पेट्रोल डाला था उसके भी पैसे वापस नहीं आए। बेकर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। बेकर ड्यूक को इस डे के भी पैसे दे नहीं पाया। इसके बाद बेकर को हम डायन के साथ इंटीमेट होता देख सकते हैं। डायन का हस्बैंड उसके साथ नहीं है, उसका बेटा भी एक अलग सिटी में काम करता है। इस वजह से बेकर और डायन में अफेयर है। बेकर को पैसे की जरूरत थी तो डायन ने उसे हेल्प की। बेकर यहाँ डायन को उसके बेटे के बारे में पूछता है। डायन के बेटे को भी सही से फिशिंग करना आता है। बेकर को लगता है कि अगर वो डायन के बेटे को फिशिंग के लिए लेकर गया तो शायद ही गुड लक होगा। अब अपने फ्रेंड ड्यूक को वो फिर से फिशिंग के लिए नहीं ले जा सकता, क्योंकि सही से उसे पे नहीं कर पाता। डायन के पास एक कैट थी जो गुम हो चुकी थी। वो बेकर को कहती है कि प्लीज मुझे वो कैट ढूंढ कर दो। इसके बाद वो बार में आया। यहाँ इस आईलैंड पर हर आदमी को हर एक चीज पता होती है। इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। बारटेंडर को भी ये पता था, तो उसे कहता है कि अगर तुम इस फिश से इतने ऑब्सेस्ड हो तो तुम उसका नाम क्यों नहीं रखते। बेकर कहता है उसका नाम जस्टिस है। रात में बेकर ड्यूक के पास आया, उसने उसे पे कर दिया और कहा कल फिर से मेरे साथ आना, वो फिर से उस फिश को ढूंढने की कोशिश करने वाला है। बेकर रात में घर आकर फिर से ड्रंक हो गया। उसे अपने बेटे की याद आई, उसके साथ फिशिंग करने की मेमोरीज वो याद करता है। अगले दिन वो ड्यूक के साथ फिशिंग पर गया। पूरा दिन उसने वेट किया, पर फिर भी उसे वो टूना नहीं मिला। वापस आने के बाद वो ड्यूक से कहता है तुम मेरे लिए बैड लक हो, तुम्हारे बैड लक की वजह से तुम्हारी वाइफ भी मर गई। उसने जानबूझकर ड्यूक को हर्ट किया ताकि वो उसके साथ काम ना करे, एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले जिससे वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पैसे भेज सकता है। रात में जब बेकर बार में था तो उसके पास कैरन आई। कैरन उसकी एक्स वाइफ। उसे कहती है कहीं अकेले में मुझे तुमसे बात करनी है, तुम सही थे और मैं गलत। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बेकर पहले आर्मी में था। कैरन के साथ जब उसका डिवोर्स हुआ उसके बाद वो गायब हो चुका था। इस आइलैंड पर भी वो एक अलग नाम से रह रहा है। ये जब अकेले थे तो कैरन उसे कहती है मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, वो पहले से वायलेंट था पर अब वो एक अलग लेवल पर जा चुका है। बेकर पूछता है मेरे बेटे पैट्रिक का क्या। कैरन कहती है वो हमेशा अपने रूम में कंप्यूटर गेम ही खेलता रहता है। उसके टीचर कहते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। कैरन नहीं चाहती उसका हस्बैंड फ्रैंक उसके बेटे को भी हर्ट करे, इसी वजह से उसे हेल्प मांग रही थी। वो कहती है कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ तुम्हारे बोट पर फिशिंग पर चलूंगी, वो इसी में हम इसे मार डालेंगे। इस काम के लिए उसे $10 मिलियन देने वाली है। बेकर ने इसके लिए उसे मना कर दिया। जब कैरन चली गई तो बेकर को ढूंढते ढूंढते एक सूट में का आदमी आया हुआ था, इसका नाम है रीड। रीड अपनी वॉच देखता है और उसे टाइमिंग जरा ऑफ लगती है, क्योंकि बेकर उसके हाथ से निकल गया था। आज रात बेकर ने अलग फिश की फिशिंग की, उसे अच्छे से पैसे मिल गए। जब वो घर आया तो अपनी कैट ढूंढते ढूंढते डायन उसके घर आई थी। वो उसे पूछती है कल रात जिसके तुम साथ थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है,
एक दो दिनों में उसका हस्बैंड भी आने वाला है। बेकर कहता है मैं उन्हें फिशिंग पर नहीं लेकर जाऊंगा। वो डायन से बात नहीं करता और क्लिफ से पानी में जंप करता है। उसे पानी में हमेशा अपने बेटे का प्रेजेंस महसूस होता है। उसमें और उसके बेटे में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, जो इतने दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे का प्रेजेंस महसूस करते हैं। इसके बाद कैरन का हस्बैंड फ्रैंक ये भी आइलैंड पर पहुंच गया। कैरन उसे जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर उसे मिलने के लिए एक दिन पहले वो आ चुका था। आने के बाद तुरंत वो कैरन के साथ इंटीमेट होना चाहता था। उसने उसे अनड्रेस किया। वो नोटिस करता है कैरन की बॉडी पर एक मार्क है। उसके बारे में उसे पूछता है। कैरन को इसका रीजन पता नहीं था। इसके बाद उसने एक घंटे तक अपनी बेल्ट से उसे बहुत मारा। नेक्स्ट दिन में बेकर फिशिंग के लिए जब हुक्स बाय कर रहा था, तभी वहां की लेडी उसे बताती है कैरन का हस्बैंड वापस आ चुका है। उसने उसे एक घंटे तक बहुत मारा। जैसे कि हमें बताया गया है, इस टाउन में हर आदमी को हर चीज पता होती है। इस वजह से इस ओनर को भी पता था कैरन को उसके हस्बैंड ने मारा है। बेकर ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। वो जब बोट पर था तो उसके पास कैरन और फ्रैंक आया। फ्रैंक कहता है कि मेरी वाइफ बता रही थी कि तुम मुझे फिशिंग पर नहीं लेकर जाने वाले। बेकर कहता है मैंने कुछ वायलेशंस किए थे, इस वजह से मैं किसी को भी अकेले बोट पर नहीं लेकर जा सकता। फ्रैंक ने कहा इस आइलैंड पर कोई भी रूल नहीं है, वो अमीर है तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। बेकर फिर भी इसके लिए मना कर रहा था। फ्रैंक कहता है कल तुम आओ या ना आओ, 7 बजे मैं तुम्हारे यहाँ वेट करूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा कि पैसों की पावर क्या होती है। बेकर अपने फिश सेल करने के लिए आया हुआ था। वहां का आदमी उसे कहता है तुम्हें कोई ढूंढ रहा था। यहाँ वही सूट वाले आदमी रीड की बात हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकर अभी अभी टायन के साथ इंटीमेट हुआ। टायन बेकर से कहती है कि तुम बहुत ही जेंटल हो, कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। जब भी मेरी कैट गुम हो जाती है तो मुझे हेल्प करते हो, मुझे लगता है तुम्हें कैरन को हेल्प करनी चाहिए। बेकर का फिर भी फ्रैंक को मारने का कोई भी प्लान नहीं था। अगली सुबह ड्यूक उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मैंने बोट पर सुना फ्रैंक तुम्हें उसे ले जाने का $10,000 देने वाला है। मुझे पैसों की जरूरत है, हम दोनों मिलकर उसे लेकर जा सकते हैं। बेकर कहता है तुम्हारा लक खराब है। ड्यूक कहता है कि मुझे पता है, मेरा सोचकर ही तुमने मुझे हर्ट किया था। बेकर फिर ड्यूक के लिए मान गया। यहाँ पर वो लैंड के ऊपर एक बर्ड देखता है जो हमेशा सी के ऊपर ही उड़ता है। ये बहुत ही अजीब था, जैसे कि वो बेकर को सी में चलने के लिए बुला रहा था। कैरन बेकर को समझाने के लिए फिर से उसके पास आए। बेकर कहता है मैं सिर्फ तुम्हें फिशिंग लेकर जाऊंगा, ये तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारने वाला। कैरन कहती है फ्रैंक मुझे और शायद हमारे बेटे को भी मारेगा, क्या ये सही होगा? मुझे पता है तुम दोनों में कनेक्शन है, हमारा बेटा तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन से देख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली फिशिंग पर आए हुए हैं। फिशिंग पर फ्रैंक बेकर से पूछता है इस टाउन में कुछ कॉल गर्ल्स है, क्या उनके बारे में तुम्हें पता है? क्या उनका एड्रेस तुम मुझे दे सकते हो? बेकर ने इसके लिए मना कर दिया। उसे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बेटा है? फ्रैंक कहता है कि मेरा एक स्टेप सन है, हमेशा अपने कंप्यूटर पर ही लगा रहता है। मैंने एक दिन उसे पूछा दिन भर तुम यही क्यों करते रहते हो, तुम्हें कुछ अलग चीज करनी चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं गेम्स नहीं खेलूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। फ्रैंक कहता है एक दिन मैं ही उसे मार डालने वाला हूँ। इस पर बेकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे मार डालने वाला था, तभी इन्होंने एक बड़ा सा शार्क कैच किया। ये कैच कर फिर से वापस आते हैं। फ्रैंक को एक्चुअल में एक टूना फिश कैच करना है, तो इस वजह से कल वो फिर से फिशिंग के लिए आएगा। बोट पर जो भी हुआ ये सब ड्यूक ने सुना था। उसे पता चल गया कि इनमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। वो रात में बेकर से बात करता है। बेकर उसे सब कुछ सिचुएशन समझा देता है। ड्यूक ने कहा कि तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम दिल के अच्छे आदमी हो, ये करना बहुत गलत होगा। फ्रैंक बेकर के बेटे को हर्ट कर सकता है, तब उसने डिसाइड किया है कि वो फ्रैंक को मारने वाला है। वो ड्यूक को कल उसके साथ आने के लिए मना करता है। बेकर जब अपने बोट पर था तो उसके पास कैरन आई। कैरन उसे एक रिंग दिखाती है, कहती है इसी रिंग से तुमने मुझे प्रपोज किया था। बेकर गैराज में काम करता था, एक गाड़ी के पार्ट से उसने रिंग निकाली और यही कैरन को दी थी। वो कहती है हमारे बीच जो भी हुआ था ये सब कुछ चीजें मुझे याद है। एक ब्रिज के नीचे हम फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। बेकर कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, लोग बदलते नहीं। कैरन ने उसे धोखा दिया, इसका रीजन ये भी था कि बेकर जब अपनी ड्यूटी से वापस आया तो बहुत ही डिस्टर्ब था, वो कैरन पर ध्यान नहीं देता था। कैरन कहती है कि मुझसे गलती हुई है, तुमने अभी अभी कहा कि लोग चेंज नहीं होते। उस रात बीच के पास जो लड़की थी मैं आज भी वही लड़की हूँ। वो उसके पास आई तो बेकर ने उसे किस कर लिया।
ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। कैरन के बॉडी पर फ्रैंक के मारने के निशान भी थे। इंटीमेट होने के बाद कैरन उसे कहती है, क्या कल तुम उसे मार दोगे? बेकर कहता है कि हाँ, पर हम दोनों की रिलेशनशिप हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। कैरन इसके लिए मान जाती है क्योंकि सिर्फ उसके बेटे को बचाना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बेकर जब घर पर आया तो रीड उसका बाहर ही वेट कर रहा था। उसे कहता है, तुम कल जो करने वाले हो इसके बारे में मुझे पता है। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है ये चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेकर इससे इंट्रिक था तो उसे उसने घर में इन्वाइट कर लिया ड्रिंक ऑफर किए। रीड फिर उसे एक इक्विपमेंट दिखाता है, कहता है एक फिश फाइंडर है। जिस टूना फिश को तुम हमेशा से ढूंढ रहे हो इसे तुम आसानी से ढूंढ सकते हो। हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उस फिश को ढूंढ लो। ये बात बहुत ही अजीब थी। बेकर ने पूछा, तुम कल के बारे में क्या जानते हो? रीड ड्रंक था तो उसने बोल डाला, कल उस आदमी को मत मारना। बेकर उस पर गुस्सा हो गया, उसे धमकाता है और पूछता है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? रीड कहता है कि मुझे मत मारो, मैं सिर्फ इस गेम का हिस्सा हूँ, इस गेम्स के मैं रूल हूँ। ये बात बेकर को क्लियर नहीं थी तो रीड उसे समझाता है, यहाँ पर जो भी चल रहा है ये सब एक गेम है, हम सब एक गेम के अंदर है। इस गेम में छोटे छोटे हिस्से भी है, जैसे कि डायन की कैट ढूंढना, फिशिंग करना। पिछले कुछ दिनों से इसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही है। तुम्हारा फ्रैंक को मारना इस गेम का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम किसी भी आदमी को इस गेम में मार नहीं सकते। रीड को भी एक क्वेश्चन आया है कि क्रिएटर ने अब रूल्स क्यों चेंज कर दिए है। हमें पता चला कि इस गेम को जिसने क्रिएट किया है ये बेकर का ही बेटा पैट्रिक है। इसके बाद डायरेक्टली सुबह हुई। बेकर अपने अलार्म से जल्दी उठ गया था। वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है पर एक गेम्स के रूल उसे रोक रहे थे। उसने फिर सब कुछ चीजें नोटिस करना स्टार्ट किया। आज बेकर जाकर फिश नहीं पकड़ने वाला तो गाड़ी के रेडियो पर भी आया कि जाओ और फिश पकड़ो। उसे जो भी मेमोरीज है इनको लेकर वो वंडर करता है, वो कहां से आया और यहाँ क्यों है, ये सब उसे क्वेश्चंस आ रहे थे। वो अपने रास्ते से भटक चुका था तभी डायन का बेटा जो एक अलग टाउन में काम करता है वो भागते भागते उसके पास आया। वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, मैं आपके साथ फिशिंग कर सकता हूँ। बेकर इस पर हंसने लग गया। वो कहता है कि जब इस गेम से मैंने तुम्हें मांगा था तो मुझे नहीं मिला, अब इस गेम को मेरी जरूरत है तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। इसके बाद जब बेकर सिग्नल पर आया तो जब तक रेड लाइट चला नहीं जाता उससे पहले वो गाड़ी चला नहीं सकता था। वो अपने सप्लाईज लेने के लिए एक स्टोर में आता है। वह उसके पास एक मैप था, क्या तुम्हें पता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ है? ये ओनर कहती कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ओनर किस तरह से बात करती है, इसके थॉट कैसे है, इस सब को लेकर बेकर उससे क्वेश्चन पूछता है। ओनर सीरियस हो गई, कहती है इस जाओ और फिश पकड़ कर लाओ, ज्यादा कुछ सोचो मत। ये मैसेज गेम ही बेकर को दे रहा था। बेकर का प्लान है जो गेम उसे बता रहा है ये चीज वो नहीं करेगा। तो इसके बाद वो बार में आ गया। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होना चाहता था। बारटेंडर उसे पूछता है, क्या तुम आज फिशिंग नहीं जाने वाले? उसने कहा कि जाओ और फिशिंग करो, किसी भी टूरिस्ट को मत लेकर जाओ, वो हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। बारटेंडर भी गेम का ही उसे मैसेज दे रहा था। गेम नहीं चाहता कि बेकर किसी को भी मारे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैरन जब नींद से उठी तो उसे सब कुछ ब्लड दिख रहा था। वो फ्रैंक के पास गए तो फ्रैंक इंजोर्ड था, उसे कल रात कुछ लोगों ने बहुत मारा है, इसी वजह से आज वो फिशिंग पर नहीं जा सकता। बेकर गेम के ऑपोजिट करना चाहता है। फ्रैंक को मारने के लिए वो अपने बोट तक पहुंच गया। वहां पर उसका फ्रेंड ड्यूक है। ड्यूक उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही था वही आज किया है। उसने कल रात फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे, इस वजह से फ्रैंक आज बोट तक नहीं आ पाएगा। इस बात से बेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। फ्रैंक इंजोर है पर फिर भी कैरन उसे रिझाने की कोशिश करती है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था एक फिश ला कर दोगे। फ्रैंक बहुत ही इगोइस्टिक है तो डिसाइड करता है इंजोर होने के बावजूद वो फिशिंग पर जाने वाला है। बेकर नाराज था तो सी के पास आकर ड्रंक हो गया। बेकर के पास रीड आया। बेकर उसे कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रीड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमें बनाने वाला कौन है। इस पर बेकर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए तो रीड ने उसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हमें किसने बनाया है? एक लड़का है जो हमेशा अपने रूम में एक गेम क्रिएट करता रहता है। उसके स्टेप फादर हमेशा उसकी मदर को मारते रहते हैं। इन्हीं आवाजों से बचने के लिए उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है और वो चाहता है कि मैं जाकर फ्रैंक को मार डालूं। ये बच्चा वायलेंट हो रहा है। अगर इस गेम में बेकर ने फ्रैंक को मारा तो लड़का भी अपने स्टेप फादर को मार डालेगा। रीड ये सुनकर सरप्राइज था। वो कहता है,
अगर हमारा क्रिएटर ही चाहता है कि फ्रैंक मर जाए तो हमें वही करना चाहिए। वो उसे बता देता है कि कैरन ने फ्रैंक को मना लिया है, वो दोनों तुम्हारे बोट पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बेकर ड्रंक था पर फिर भी जल्दी से बोट पर पहुंच जाता है। बेकर और कैरन दोनों फ्रैंक को बोट में बिठाकर सी में लेकर गए। ये उसे मारने वाले थे तभी बोट में से डायन का बेटा बाहर निकला। उसने बेकर से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका गुड लक हूं, इसी वजह से मैं आपके साथ आ गया। गेम में ये जो सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटर पैट्रिक की इनर कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने स्टेप डैड को मारने वाला है पर वो डरता है, क्या सही क्या गलत इन सब चीजों को लेकर वो सोचता रहता है। इसी वजह से उसने गेम में भी ऑब्स्टेकल क्रिएट किए थे। डायन के बेटे के सामने बेकर मर्डर नहीं कर सकता पर फिर भी उसने डिसाइड किया वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसने उसे ऊपर काम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा फिश इनके हुक्स में अटक गया। ये वही बड़ा फिश था जो हमेशा से बेकर ढूंढना चाहता था। इसे कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड है। फ्रैंक तो फिशिंग करने के लिए आया था। फिश का रॉड बेकर उसके हाथ में दे देता है। फिश बहुत ही स्ट्रांग है तो फ्रैंक उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। फ्रैंक फिश के साथ ही पानी में गिर गया। फिश और फ्रैंक दोनों अटैच थे तो ये फिश उसे अपने साथ लेकर गया। ये सब एक एक्सीडेंट की तरह लगा तो डायन के बेटे को कुछ भी शक नहीं गया। बेकर को कोई भी लीगल ट्रबल नहीं होगा। इसके पैरेलल में रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं पैट्रिक जाकर अपने स्टेप डैड को मार डालता है। फिर पुलिस को बुलाया गया। पैट्रिक की मदर ने कहा मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा था, पैट्रिक मुझे बचाने के लिए आया। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने स्टेप डैड को मार डाला। पैट्रिक की जब हियरिंग हुई तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। पैट्रिक का घर हमें दिखाया जाता है जिसमें हम बेकर का फोटो देख सकते हैं। पैट्रिक के रियल डैड ये भी आर्मी में थे, वहीं पर उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उसकी मदर ने फिर से शादी की। उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था इसी वजह से पैट्रिक ने उसे मार डाला। मूवी के गेम में हम जो भी सिचुएशन देख रही थी ये सब पैट्रिक की सिचुएशन से सेम थी। अब हम गेम में देखते हैं फ्रैंक तो मर चुका है। जैसे बेकर ने कहा था कि वो और कैरन एक साथ नहीं रह सकते तो कैरन उसे छोड़कर जा रही है। कैरन उसे कहती है कभी ना कभी तुम पैट्रिक से मिलोगे। जैसे कैरन ने कहा था वैसे पैट्रिक का कॉल बेकर को आया। बेकर उसे बात कर बहुत ही खुश था। पैट्रिक कहता है कि अब मैं गेम में कुछ चेंजेस करूंगा। वो इस तरह से इसे डिजाइन करेगा कि वो खुद आकर बेकर से मिल सकता है। गेम में चेंजेस हुए और पैट्रिक ने उसका खुद का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया। बेकर को अपना बेटा मिल गया। पैट्रिक ने गेम में भी एक हैप्पी एंडिंग कर दी। इसी तरीके से ये अलग सी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।